सभी बच्चे स्क्रीन से फैमिलियर हैं? स्क्रीन कितनी तरह की होती है? कितनी तरह? अच्छा, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट। और कौन बताएगा कितनी तरह की स्क्रीन्स तुम जानते हो? स्क्रीन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीन? स्क्रीन को हिंदी में हम छलनी भी कहते हैं, क्या तुम्हें पता है? जिससे हम चाय छानते हैं, इट इज ए सॉर्ट ऑफ स्क्रीन। और हम कह सकते हैं सिनेमा का पर्दा। ओके, स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। छलनी या सिनेमा का पर्दा। पिक्चर हॉल में तुम जाते हो तो सामने तुम्हारे जो होती है वो क्या होती है? स्क्रीन। मोबाइल फोन पर है वो क्या है? हाउ दीज टू स्क्रीन्स आर डिफरेंट। जो सिनेमा का पर्दा है वो, और जो मोबाइल फोन की स्क्रीन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? सिनेमा का पर्दा उस पर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मोबाइल फोन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसके अंदर से लाइट निकल रही है। क्लियर? दिस इज द मेजर डिफरेंस। टीवी है तो उसकी स्क्रीन है ना? अब इसके बारे में तुमने एक लेक्चर में सीखा था कि पहले कौन सा था, रिवीजन कर लेते हैं। पहले था सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब वाला। फिर कौन सा आया? फिर आया प्लाज्मा टीवी। उसके बाद एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद आया एलईडी। ये सभी कौन से टाइप के? जिनमें से लाइट निकलती है। ठीक है, व्हाट इज लाइट? क्या लाइट को मैं विकिरण कह सकता हूं? व्हाट इज विकिरण? किरण समझते हो? किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू है। उन्हें वो गाना है ना, वो गाना कौन गाएगा? तू है मेरी किरण। कोई गाएगा तुम में से? नहीं गाएगा कोई भी। ओके, किरण के आगे हमने वी लगा दिया, विकिरण। विकिरण यानी रे। क्या ये सही है? देखो, किरण थी रे, जब हमने वी लगा दिया विकिरण, तो ये बन गया रेडिएशन। रेडिएशन, समझ में आई बात? शब्दों से खेल रहे हैं। बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ या ना? ठीक है, किरण रे, विकिरण रेडिएशन। क्या इन स्क्रीन से रेडिएशन निकलते हैं? क्या सिनेमा के पर्दे से रेडिएशन निकल रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिनेमा का पर्दा या प्रोजेक्टर पर अगर तुम देख रहे हो, इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स। समझना डिफरेंस? उस पर आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस भेज रहा है, टकरा के वापस लौट रहा है। प्रकाश उत्सर्जन नहीं कर रहा, यानी एमिट नहीं कर रहा, रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा। उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? एमिशन। एमिशन को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन।
तो रेडिएशन एमिट करता है क्या सिनेमा का पर्दा? अगर तुम प्रोजेक्टर लगाकर देख रहे हो घर में, तो प्रोजेक्टर से जो फिल्म तुम्हें दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, क्या स्क्रीन लाइट एमिट कर रही है? नहीं कर रही है, समझना इस बात को। पर मोबाइल फोन की स्क्रीन लाइट एमिट कर रही है कि नहीं कर रही है? और टीवी की स्क्रीन लाइट एमिट कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। इसमें सीआरटी अगर टीवी था पुराना वाला, तो इसमें से सबसे ज्यादा रेडिएशंस निकलते थे बच्चों, सबसे ज्यादा रेडिएशन। जैसे मेरे को नया टीवी खरीदना है, मैं दुकान पर गया, है ना, मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ, मैं दुकान पर गया, नया टीवी खरीदना है, वहां पर कंपनी, अलग अलग कंपनी के टीवी हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों को सबसे कम नुकसान पहुंचे, तो मैं कैसे चेक करता था वहां पे कौन सा टीवी खरीद के लाऊंगा? वहां टीवी चल रहे होते हैं, तुमने देखा हो टीवी की दुकान पे सारे के सारे, इतने सारे टीवी लगे होते हैं, सब चालू होते हैं। गए हो ना कभी शोरूम पे किसी, सारे के सारे टीवी चालू होते हैं। तो हम पहले कैसे चेक करते थे बच्चों? अपना हाथ उसकी स्क्रीन के पास ले जाते थे ऐसे, हाथ में ये जो बाल हैं जिनको बोलते हैं हम रोए, इनको रोवाली रोए ऐसे बोलते हैं, तो ये जो है खड़े हो जाते थे रोए, हाथ के रोए स्क्रीन के पास ले जाने पर स्ट्रेट। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? बिकॉज ऑफ चार्ज। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज। अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं कि वो ऐसा कैसे होता था, सो सी हियर, बॉन्डे ग्राफ जनरेटर तो मैंने दिखा दिया, मैं जो डायग्राम ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिला नहीं। ये अगर कोई इसे हाथ लगाएगा तो ये स्थिति होगी बच्चों, सिर के बाल स्ट्रेट स्ट्रीक फॉर्म में खड़े हो जाएंगे, लाइक दिस। दिस इज वॉन्डे ग्राफ जनरेटर, पे बहुत सारा चार्ज है, वो चार्ज इस बॉडी पर आएगा एंड सभी बालों पर सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा। क्या तुम जानते हो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, जस्ट लाइक 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 पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल इच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, है ना। और जब हम करंट की बात करेंगे तो करंट में उल्टा होता है, लाइक करंट्स अट्रैक्ट इच अदर। अगर करंट सेम डायरेक्शन में, मींस लाइक करंट्स दे अट्रैक्ट इच अदर, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तुमने देखा लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो बाल चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ऐसे स्ट्रीक फॉर्म में स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। तो अगर मैं टीवी की स्क्रीन के पास अपना हाथ ले जाऊंगा, तो मेरे हाथ के बाल चार्ज हो जाते हैं। क्यों चार्ज हो जाते हैं? बिकॉज वो जो टीवी की स्क्रीन है, इसमें से रेडिएशन निकल रहे हैं, रेडिएशन निकल रहे हैं, तो पीछे से ये स्क्रीन चार्ज हो जाती है। बिकॉज रेडिएशन कुछ एनर्जी लेकर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पीछे से स्क्रीन पर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। हाँ बोलो बेटा। हाँ, मैंने प्रोजेक्टर तो दिखाया नहीं बेटा, मैंने दिखाया वांडे ग्राफ जनरेटर, मैंने प्रोजेक्टर नहीं दिखाया तुमको, ठीक है। दैट वाज वांडे ग्राफ जनरेटर सोर्स ऑफ चार्ज, वो खाली चार्ज बताने के लिए दिखाया था। तो उससे लिंक कर सकते हैं हम चीजों को कि जब स्क्रीन से रेडिएशन निकलते हैं, स्क्रीन गेट चार्ज, और उस चार्ज के पास जितनी ज्यादा चार्ज होगी, हम जब हाथ ले जाएंगे तो हमारे हाथ के जो बाल हैं वो अट्रैक्ट होकर उधर जाएंगे और हाथ के बाल स्ट्रेट स्ट्रीक फॉर्म में खड़े हो जाएंगे। तो जिसमें जिस टीवी की स्क्रीन में ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा रेडिएशन निकालती है, और जो स्क्रीन ज्यादा रेडिएशन निकालेगी वो हमारी आंखों पर ज्यादा बुरा प्रभाव डालेगी, समझ गए, हमारी आंखों को ज्यादा खराब करेगी। तो कौन सा टीवी खरीद के लाते थे फिर हम, जिसमें हाथ पास ले जाने पर स्क्रीन के पास रेडिएशन कम फील हो, हाथ के बाल कम खड़े हों, वो वाला लेते थे हम टीवी।
तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी पर जाएं, तो इसमें रेडिएशन थे, प्लाज्मा में उससे कम थे, एलसीडी में उससे थोड़े कम थे, और एलईडी में थोड़े ज्यादा हैं या एलसीडी के बराबर ही हैं। तो रेडिएशन समय, हाँ बोलो बेटा, हाँ सही है, सारी स्क्रीन लैपटॉप या आईपैड की स्क्रीन या तो एलसीडी है या एलईडी है। उस पे तुम उसके मैनुअल को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा वेदर दीज आर एलसीडी स्क्रीन्स और एलईडी स्क्रीन्स। तो इन सबसे रेडिएशन निकल रहे हैं क्योंकि ये सिनेमा के पर्दे जैसे नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव, समझ गए? वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इंटेंसिटी पर थोड़ा इफेक्ट आता है। यही कारण है कि सिनेमा जब हम देखने जाते हैं तो वहां अंधेरा होता है, क्योंकि अगर वहां उजाला हो तो पर्दे पे हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी समझते हो ना, तीव्रता, जैसे इंटेंस लाइट, तेज रोशनी, तो उनकी इंटेंसिटी कम होती है। पर मोबाइल फोन से हम लाइट में भी देख पा रहे हैं बिकॉज उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। टीवी हम लाइट में भी देख पा रहे हैं बिकॉज इंटेंसिटी ज्यादा है। अभी तुम जो क्लास कर रहे हो, जो जिस मॉनिटर पर देख रहे हो तुम कंप्यूटर के, उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है और उसमें से भी रेडिएशन निकल रहे हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, विकिरण रेडिएशन क्या होते हैं, कहाँ से निकलते हैं? सन से भी क्या आ रहे हैं, रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है? अब जो रेडिएशंस हैं ये किस रेंज में, जो हमें दिखाई देते हैं उसको कहते हैं विजिबल रेंज। विजिबल, विजिबल रेंज। और वेवलेंथ मैंने तुम्हें समझाया था, वेवलेंथ, अगर ये कोई वेव है तो एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलाकर, या क्रेस्ट टू क्रेस्ट चले जाए हम यहां से यहां, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एक वेवलेंथ, और इसको हम सिंबल लैम्डा से दिखाते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा, आर यू फैमिलियर विद लैम्डा? Yes. ओके, ये ऐसे बनाया ना, दो लाइन ऐसे काट के, इट इज कॉल्ड लैम्डा। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ और कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, इनके बीच की डिस्टेंस होती है एक वेवलेंथ लैम्डा के बराबर। और जो लाइट हमें दिखाई दे रही है उसकी रेंज, विजिबल रेंज कहेंगे उसको, अगर लाइट की वेवलेंथ है 700, छोटा एन छोटा एम, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एम? हाँ, स्मॉल एन स्टैंड फॉर नैनो, प्रिफिक्स है एन ए एन ओ, याद करवाया था मैंने शुरू शुरू में। शुरू की क्लासेस के वीडियो तुम देख सकते हो, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया इसी चैनल पे सारे वीडियो हैं अवेलेबल। नैनो, नैनो मीन्स 10^-9, सो 700 नैनोमीटर मीन्स 700 × 10^-9 मीटर से लेकर 400 नैनोमीटर, ये रेंज है फ्रॉम रेड। दिस एंड इज रेड एंड दिस एंड इज वॉयलेट। हम रेड टू वॉयलेट देख पाते हैं, विबग्योर, विबग्योर तो सीखा होगा, तुम्हारी क्लास में सिखाया होगा, GYOR। तुम में से सभी अवेयर होंगे विबग्योर से। अब इसमें जो सेंटर पड़ता है, विजिबल रीजन का सेंटर, वो है येलो ग्रीन, और उसमें भी पर्टिकुलर येलो को हम सेंटर पे मानते हैं, और इसकी वेवलेंथ होती है बच्चों, जो तुम आसानी से याद रख सकते हो, 555 नैनोमीटर, 555, 555 डिटर्जेंट, 555 टिकिया। ये स्वदेशी है, रिन इस्तेमाल मत करना, सर्फ इस्तेमाल मत करना, पैसा विदेश में चले जाएगा, 555 इस्तेमाल करना, पैसा हमारे देश में रहेगा। तो अब तुम कभी भूल नहीं सकते 555। तो 555 नैनोमीटर, दिस इज वेवलेंथ ऑफ येलो कलर फॉर विच आवर आईज आर मोस्ट सेंसिटिव। हमारी आंखें इनको बहुत आसानी से पहचान लेती हैं। आवर आईज आर मोस्ट सेंसिटिव इनी कलर, इस येलो कलर के लिए। और रीजन क्या है उसका, बाकी सबके लिए, वॉयलेट के लिए या रेड के लिए उतनी सेंसिटिव क्यों नहीं है? रेड हम दूर से देख पाते हैं, दैट्स व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर, क्योंकि लाल रंग हमें दूर से दिखाई दे जाता है, इसलिए जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। पर हमारी आंखें रेड के लिए सेंसिटिव नहीं है,
हमारी आंखें मोस्ट सेंसिटिव है येलो ग्रीन। तुमने देखा है कितने जितने भी एड डिजाइन होते हैं, मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स, एड मतलब एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन, उनमें कौन सा कलर होता है? येलो ग्रीन देखोगे मोस्ट ऑफ द एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स, लिरिल साबुन के एडवर्टाइजमेंट देखना, या जब भी तुम्हारे साइन बोर्ड पे नजर पड़ती है, तुम सड़क पे जा रहे हो, वो कौन से कलर में होते हैं? तो तुम देखोगे येलो ग्रीन कलर के रहेंगे। हॉस्पिटल में जहां नाम लिखा रहेगा, या फैक्ट्रीज में जहां सेफ पाथ होता है जिसपे से आप निकल के जा सकते हो, किसी मशीन से टक्कर नहीं लगेगी, वो येलो पाथ होता है, यानी येलो कलर इज देयर बिकॉज आवर आईज आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो कलर। अगर तुम सड़क पे निकले हो, दो तरह की लाइट्स दिखती हैं सड़क पे, एक तो येलो कलर की होती है, एक व्हाइट ट्यूबलाइट वाली रोशनी होती है रात में। येलो कलर वाली लाइट पे गौर किया तुमने सड़क पे कभी? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोडियम बल्ब। आर यू अवेयर ऑफ सोडियम लैम्प, सोडियम बल्ब? व्हाट इज सोडियम? लास्ट टर्न पे सानवी ने बात की थी शायद NaCl की, ठीक है। जो तुम नमक खा रहे हो वो है सोडियम क्लोराइड। अगर तुम सेंधा नमक नहीं खा रहे हो, तुम ऑर्डिनरी नमक खा रहे हो, देन इट इज सोडियम क्लोराइड। उसमें जो सोडियम है वो सोडियम यूज करते हैं, सोडियम वेपर्स भरी होती हैं इस बल्ब में, सोडियम बल्ब में, जो टिपिकल येलो कलर की लाइट देता है, जिसकी वेवलेंथ होती है 555 नैनोमीटर। तो हमारी आंखें उसके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हमें वो सूट करता है येलो कलर। तो ये मैंने तुम्हें बताया विजिबल। अब अगर मैं इससे आगे जाऊं, वॉयलेट से आगे, तो बच्चों आता है अल्ट्रा वॉयलेट। नाम सुना होगा, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वॉयलेट। इट एक्ट्स एज पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, जर्मीसाइड, कीड़े मकोड़े, जर्म्स, पेस्ट, ये सब इनको किल कर देता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन में जो चाकू कैंची सब काम में आए हैं, उनको स्टरलाइज करने, उसमें से वायरस जर्म्स किल करने के लिए उनको धो पहुंच कर यूवी चैम्बर में रख देते हैं, अल्ट्रा वायलेट चैम्बर में। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट उसमें से उसको सैनिटाइज कर देती है, समझ लो स्टरलाइज कर देती है। और जितने भी वाटर प्यूरिफायर है, एक्वागार्ड का पानी तुम पीते हो, या दूसरे वाटर प्यूरिफायर का पानी तुम पीते हो, तो उसमें एक चैम्बर होता है यूवी चैम्बर, पानी को गुजारा जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में से, जिससे उसमें सारे बैक्टीरिया मर जाए। तो ये अल्ट्रा वायलेट है। और इससे इधर जाऊंगा मैं, तो आएगा IR। IR का फुल फॉर्म गैस करो, इंफ्रारेड। रेड से पहले जो है वो हो गया इंफ्रारेड, और वॉयलेट के बाद जो है वो हो गया अल्ट्रा। तो ये जो वर्ड है इंफ्रा अल्ट्रा, इनके यूज को समझो। जैसे मैं तुम्हें पुराना याद दिलाऊं, मैंने तुम्हें सोनिक रेंज बताई थी। व्हाट इज सोनिक रेंज? जो हम सुन सकते हैं कितना? 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, नॉट 2000, 20,000। 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स और 20 किलो हर्ट्स, किलो मीन्स 10^3। तो सोनिक रेंज मैंने तुम्हें बताई थी। फिर मैंने तुमको बताया था अगर 20 किलो हर्ट्स से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। नाम सुना होगा ना, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कराई, अल्ट्रासोनिक। तो बताओ इससे कम होगी फ्रीक्वेंसी, लेस देन 20 हर्ट्स, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे शब्दों को समझो बच्चों। अल्ट्रा ज्यादा वाली, कम वाली को क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक। इंफ्रा कम वाली। शब्द बोलते हैं बच्चों, शब्द बोलते हैं, शब्द क्या बोल रहे हैं उनको समझो, इंफ्रासोनिक। इसी को पैरासोनिक भी कहते हैं, इंफ्रासोनिक इज आल्सो कॉल्ड पैरा पैरासोनिक। पैरासोनिक एंड इंफ्रासोनिक बोथ आर सेम। तो अब हाँ, पूछना है कुछ तो पूछो। नहीं, ओके। इंफ्रारेड से और पीछे अगर हम जाते हैं, तो ये आती है माइक्रोवेव। आर यू फैमिलियर विद माइक्रोवेव? माइक्रोवेव ओवन होता है ना, माइक्रोवेव ओवन यूज किया ना तुमने, उसमें खाना खाना खाने को कौन पकाता है? खाने को कौन? माइक्रोवेव। तो क्या माइक्रोवेव आदमी को पका सकती है? मतलब कहां पे ज्यादा डाल दो?
सही बात है। तो जब खाने को पका सकती है तो आदमी को भी पका सकती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से नीचे जाते तो आती है रेडियो वेव। आरएफ, आरएफ पढ़ा था तुमने, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दीज आर रेडियो वेव्स। एएम एफएम की बात करें तो रेडियो वेव्स। अब यू समझो बच्चों, ये हुए विजिबल रेडिएशन। हमारी आईज डिजाइंड है यहां तक का देखने के लिए। अच्छा, वेल्डिंग होते हुए देखिए तुमने, वेल्डिंग होते हुए, आर्क वेल्डिंग, जहां पे तेज रोशनी निकलती है, आवाज भी होती है, चट 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 चट, बहुत तेज आवाज होती है वेल्डिंग जब होती है। लोहे को जोड़ रहे होते हैं ना, वो वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलते हैं बच्चों। इसलिए वो देखने के लिए क्या करते हैं, वो काला ग्लास लगाते हैं आंख के आगे, है ना, वेल्डिंग ग्लास यूज करते हैं। इट मींस दोज रेडिएशंस आर हार्मफुल फॉर आईज। जब तुम तेज रोशनी की तरफ देखते हो तो तुम्हारी आंखें चौंधिया जाती है और अंधेरे में की कोई चीज तुम्हें थोड़ी देर तक दिखाई नहीं देती है। ऐसा तुमने एक्सपीरियंस किया होगा। सुबह जब तुम सोकर उठते हो, तुम्हारी आंखें बंद थी रात भर के लिए। सुबह सुबह तुम जैसे आंखें खोलते हो तो तुम्हें थोड़ी परेशानी होती होगी, तो रोशनी पड़ती है तो, या जब तुम सो रहे होते हो कोई लाइट जला दे तो तुम्हें कितना खराब लगता होगा आंखों पर रोशनी पड़ने पर। क्या ये सब तुमने महसूस करके देखा है? हाँ, तो ये सारी चीजें तुमने महसूस की है, तो तुम्हें सोचना है, थोड़ा सा समझना है बच्चों कि रेडिएशंस किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं, जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो हम वाईफाई राउटर यूज करते हैं, ये जितने भी तरह की रेज हैं, एक्चुअल में एक होता है वेव, रेडियो वेव, और एक होता है रे। व्हाट इज द डिफरेंस? ये देखो, वेव को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, और रे को कैसे दिखाएंगे? रे को ऐसे दिखाएंगे। हाँ, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बच्चों, ये रे भी वेव ही होती है, बट फ्रीक्वेंसी इज सो लार्ज, ये जल्दी जल्दी, कि हमें लगभग एक स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दिखती है। मींस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को ही रे कहते हैं। रे इज नथिंग बट उच्च आवृत्ति की तरंगें, हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं FREQ. हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, उन्हीं को हम रेज बोलते हैं। अभी ये जो मैंने ऊपर लिखा, इसमें जैसे जैसे मैं इस साइड जा रहा हूं, वेवलेंथ का क्या हो रहा है? दिस इज लैम्डा, ग्रीन कलर में जो तुम देख रहे हो ना, 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, दिस इज लैम्डा वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है कि बढ़ रही है? 700 से 400 घट रही है। रेड से वॉयलेट की तरफ गए, रेड टू वॉयलेट जा रहे हो, वेवलेंथ का क्या हो रहा है? वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, घट रही है। पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो बच्चों, रेडियो वेव है, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के बाद जो इंफ्रारेड आ रही है वो रेज है, विजिबल रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट के साथ क्या वर्ड यूज करते हैं? रेडिएशन या कि वेव्स? अल्ट्रावायलेट रेज, रेडिएशन, वेव्स यूज नहीं करते, है ना, तरंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, किरण। अल्ट्रावायलेट रेज तो रेडिएशन है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को ही रेज बोलते हैं। तो अंतर क्या पड़ रहा है? रेडियो से, सॉरी, रेड से वॉयलेट जा रहे हैं तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे दिखा रहा हूं सिंबल, दिस इज कॉल्ड न्यू, घुमा हुआ वी, इसको कहते हैं न्यू। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। हाँ बोलो, क्या आप कह रहे हो, पूछो। ओके, कोई प्रॉब्लम। लैम्डा इज डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम रेडियो वेव टू अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के और आगे जाऊंगा ना अगर मैं, तो आ जाएंगे बच्चों एक्सरे। एक्सरे तो जानते हो ना, वो दांत का एक्सरे निकालते हैं, हड्डी टूट जाए तो एक्सरे निकालते हैं, और उससे भी आगे जाऊंगा तो आई गामा रे, दिस इज सिंबल फॉर गामा, गामा रे। थोड़ा हॉच पॉच हो गया पर ऐसे ही समझ लो, सुन लो, कभी और अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं, अच्छे से लिखवा भी दूंगा। एक्सरे, गामा रे, तो गामा रे इज रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तुमने ये सिंबल बने देखा होगा, रेडियो एक्टिव हजार्ड सिंबल, रेडियो एक्टिव हजार्ड देखा है? रेडियो एक्टिव हजार्ड पिक्चर में देखा होगा कहीं,
नहीं तो ये मोबाइल टावर जो होते हैं ना, मोबाइल टावर समझते हो सब? बोलो भाई, मोबाइल टावर समझते हो? मोबाइल टावर पे जाके देखना, पीले रंग का स्टिकर लगा रहेगा और ये सिंबल बना रहता अच्छा है, डेंजर। दिस सिंबल इज फॉर रेडियो एक्टिव हजार्ड, समझ गए? रेडियो एक्टिव हजार्ड। तो ये गामा रेज आर रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। तो ये सारी बातें हमने की रेडिएशंस की, एंड ऑल दीज रेडिएशंस एक्सेप्ट दीज विच आर इन विजिबल रेंज आर हार्मफुल फॉर अस। अगर कुछ भी हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं या ये हमारे संपर्क में आता है ज्यादा मात्रा में, तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अल्ट्रावायलेट कम मात्रा में है तो यूजफुल है, जर्म किल करता है, जैसे बैक्टीरिया किल कर देता है। बारिश के मौसम में क्या होता है बच्चों, कई दिनों तक धूप नहीं निकलती। अभी तुमने महसूस किया होगा मौसम ऐसा हो रहा था, बादल ही बादल, धूप नहीं निकली 2-3 दिन। हुआ था तुम्हारे उदयपुर में? तो जब कई दिनों तक धूप नहीं निकलती, अभी तो सर्दी का मौसम है, बारिश के मौसम में 10-10 दिन कई बार अगर धूप नहीं निकले तो क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, आंख आना, आई फ्लू, ये सब शुरू हो जाता है। और अगर धूप निकलती है तो उसमें से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस जो हमारे कभी कभी हमारी बॉडी पर पड़ती हैं जब हम बाहर निकलते हैं, तो कम मात्रा में हमारे लिए यूजफुल है। पर यही अल्ट्रा वायलेट रेस अगर ज्यादा हो जाए तो स्किन कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है? यानी अति हर चीज की बुरी है। कुल मिलाकर हमने ये समझा आज के लेक्चर में कि अति हर चीज की बुरी है। तो ये रेडिएशन किस तरह से तुम्हारी आंखों को अफेक्ट करते होंगे तुम अंदाजा लगा सकते हो। ये माइक्रोवेव और रेडियो वेव के बीच में है मोबाइल के रेडिएशन, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने पूरी रेंज बताई तुमको। तो रेडियो वेव से हाई फ्रीक्वेंसी होती है मोबाइल की। अगर मैं 4G की बात करूं बच्चों, 4G समझते हो ना, 4G, 5G, 5G आने वाला पता है ना सबको। पहले 2G था, फिर 3G, जी स्टैंड फॉर जनरेशन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 4G मोबाइल, 5G मोबाइल, सुना होगा तुमने। तो हाँ, फोर्थ जनरेशन, इसकी फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव रेंज में जाती है बच्चों, माइक्रोवेव रेंज में। वही माइक्रोवेव ओवन जिसमें तुम पॉपकॉर्न बनाते हो, अगर मकई के दाने रखते हो तो उससे पॉपकॉर्न बन जाते हैं, माइक्रोवेव डालने पर खाना गर्म हो जाता है। अगर ये मोबाइल फोन तुम्हारे आसपास ज्यादा देर रहेगा, इस तक सिग्नल आ भी रहे हैं और इससे सिग्नल जा भी रहे हैं, अगर ये तुम्हारे शरीर के आसपास ज्यादा देर तक रहेगा, तुम्हारे सर के आसपास रहेगा, तो ये किस तरह से अफेक्ट कर सकता है तुम्हारे सर में जो सेल्स हैं, ये उनको कैंसरस बना सकता है, ठीक है? सो हमें विशेष ध्यान रखना है अपना, हमें फिजिक्स को, साइंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, इससे होने वाले नुकसानों से हमें बच के रहना है। तो कुछ जानकारी मैंने तुम्हें दी, मैं इसको सिस्टमेटिक वे में तुम्हें लिखवाऊंगा। इसको कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है वो हम और सीखेंगे। सोडियम बल्ब ज्यादा बेटर है या ट्यूबलाइट की व्हाइट लाइट ज्यादा बेटर है, ट्यूबलाइट में व्हाइट लाइट कहाँ से निकलती है, क्यों निकलती है, कैसे, वो सब हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो उसके लिए जो असाइनमेंट मैंने तुमको दिया वो कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें आना है। आज की क्लास में इतना ही।